क्या 14,000 का बिजली का बिल? तो क्या आपकी भी हालत ऐसी ही होती है बिजली का बिल के देख के कि छिट्टी बिट्टी गुल? तो इसका सलूशन है मेरे पास, आओ मिलते हैं यूडी से। यूडी को जानते हो ना? अभी मिलेंगे भाई साहब, अभी मिलते मिलाते हैं आपको यूडी से। यूडी, ओवर टू यू। आता ही होगा ना, बिजली का बिल बहुत ज़्यादा, इसका सलूशन है मेरे पास, चलो लेके चलता हूँ। अगर आपको अपना बिजली का बिल ज़ीरो करना है तो ये सलूशन मैंने खुद अपने घर में लगवा रखा है, तो आपको ही उसका लाइव एग्जांपल दे रहा हूँ। एंड मैंने पिछले अभी नहीं लगवाया है, पिछले 1.5 साल से मैं इसको टेस्ट कर रहा हूँ। टेस्ट करने के बाद मैं आपको रिव्यू दे रहा हूँ इसका, ये नहीं कि अभी आया है अभी लगा लिया है। अच्छा, 1.5 साल से मैं इसको टेस्ट कर रहा हूँ, एक सीज़न पूरा मैंने टेस्ट किया है, अभी नेक्स्ट ईयर आ गया है और इस सीज़न में आपको इसका रिव्यू दूंगा। आओ दिखाता हूँ क्या चीज़, गारंटीड बता रहा हूँ बिजली का बिल जीरो आएगा। चलते हैं। इस तरह क्या क्या लगता है, कहाँ ले जाओ? टेरेस पे ले जाओ, ठीक है? वैसे तो मोस्टली लोगों को पता ही है बिजली का बिल कैसे जीरो आता है, आपको नहीं आपको नहीं पता बिजली का बिल जीरो कैसे आ सकता है, तो खुल जा सकते खुल जाता है। ओहो, लेके चलता हूँ आगे, थोड़ा सा आइए। धूप बहुत तेज धूप हो रखी है, ये मेरी टेरेस है, इसके लिए बस आपको टेरेस की जरूरत पड़ेगी। पता है क्या क्या है? देखो ध्यान से, ये ऊपर लगा हुआ है, दिख रहे हैं? हाँ, सही पहचान है, इसे कहते हैं सोलर पैनल। ये लगे हुए हैं सोलर पैनल मेरे पीछे, धूप है बहुत तेज यार। तो पहले इसकी थोड़ा सा मैं छाए में आया था, बहुत तेज़ धूप लग रही है। तो ये है भैया सोलर पैनल्स, जो कि आप मेरे पीछे देख रहे हो, ये लगे हुए हैं सारे मेरे। तो सोलर पैनल्स पे जो तक अभी तक आपने देखा था कि सोलर पैनल्स लगने के बाद क्या होता है, मोस्टली क्या करते हैं लोग, सोलर पैनल लगाते हैं, उसके बाद उसमें लगाते हैं बैटरीज, है ना? मैंने कोई बैटरी नहीं लगाई है इसमें, ठीक है? तो मैं इसकी पहले आपको एक लुक दिखा देता हूँ इसकी, उसके बारे में इसकी पूरी एक्सप्लेनेशन देता हूँ कि मैंने क्या किया है जिससे मेरा बिजली का बिल ज़ीरो आ रहा है, ठीक है? हाँ, मैंने बिजली नहीं कटवाई, मेरी बिजली घर में आ रही है BSES के थ्रू, मैं दिल्ली में हूँ तो BSES आ रही है, ठीक है? राजधानी के थ्रू आती है मेरी बिजली, BSES राजधानी, ठीक है? यमुना नहीं है तो उसके थ्रू आती है। एंड मैं बिजली का बिल भी आता है मेरे घर में BSES की तरफ से, बट आता ज़ीरो है। बट कैसे? नो बैटरीज, नो एक्स्ट्रा कॉस्ट, कोई बैटरी की कॉस्ट नहीं करनी, हर साल कोई फिजूली नहीं करनी। क्या करना है, पहले एक ओवरव्यू लेते हैं, मैं इसका लुक दिखाता हूँ कैसा आता है, उसके बाद मैं आपको बताऊँगा कि इसके बारे में कैसा है। तो दिखाने के लिए मेरे को यहाँ से जाना पड़ेगा ऊपर, तो मैं पहले ऊपर चढ़ता हूँ ताकि आपको दिख सके कि ये कैसा फील दे रहा है। चलो, यहाँ पे मेरे पास है सोलर पैनल, मैं इसके बारे में बता दूंगा, आप लुक देख ली होगी इसकी कैसी आई है। तो इसके बारे में मैं थोड़ा सा बता दूँ, सोलर पैनल्स में बेसिकली मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे 15 सोलर मोनोक्लिस्टरिन, शायद ये ऐसे ही बोलते हैं, मोनोक्लिस्टरिन पैनल्स हैं वो लगा रखे हैं। देखो, दो तरह के पैनल्स आते हैं, एक मोनोक्लिस्टरिन एंड पॉलीक्लिस्टरिन, ठीक है? तो दोनों में डिफरेंस बता देता हूँ मैं पहले, होता क्या, जो मोनो होता है वो एक ही स्टोन से, एक ही सिलिकॉन स्टोन से बनता है, ठीक है? एक ही स्टोन होता है उसमें, तो दैट इज मोर, ज़्यादा स्पेस कम लेता है और ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस करता है, और पॉली थोड़ी सी कम एनर्जी प्रोड्यूस करता है एज़ कम्पेयर टू मोनो पैनल्स। तो हो सके तो मोनो ही पैनल लगाएं, और मोनो पैनल की पहचान मैंने आपको बता दूँ, उस पर बीच में बॉक्सेस बने होंगे, डायमंड बॉक्सेस आपको नीचे चलेंगे।
उस यूनिट के पहुंचने के बाद मैंने वहां पे जो इलेक्ट्रिसिटी मैं प्रोड्यूस करता हूं, ठीक है, बहुत तेज धूप लगी, नीचे आके बताऊं, चलो नीचे चलते हैं। तो मैंने आपको जैसे कि बताया था कि मोनो पैनल्स आर द बेस्ट पैनल्स, हाँ नीचे आ गया, ठीक है, इनको मैंने यहाँ पे सीरीज में कनेक्ट किया हुआ है, ये सारे पैनल सीरीज में कनेक्टेड हैं। और अंदर चलते हैं और यहाँ पे है मेरा डिवाइस, यहाँ पे आप देख रहे हैं ये जो सेटअप है, ये वारी का सेटअप है पूरा, ठीक है। वारी एक बहुत अच्छी रिनाउंड कंपनी है, क्योंकि आप देख पाएंगे ये जिस कंपनी से मैंने लिया उसका स्टिकर है। मैं आपको बताता हूँ एक्चुअली है क्या, ये 3 KB का सेटअप है, ये जो एक बॉक्स है ये 3 KB तक झेल सकता है, और ये दूसरा बॉक्स है, ये है, ये भी है 3 KB का, ठीक है। तो बेसिकली मैं कर क्या रहा हूँ कि जितनी भी इलेक्ट्रिसिटी मैं प्रोड्यूस हो रही है मेरे सोलर पैनल से, ठीक है, मैं आपको एप्लीकेशन के अंदर भी जाके दिखाऊंगा कि कैसे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रही है, कितनी हो रही है, मैं आपको दिखाऊंगा पूरी पूरी डिटेल देने वाला हूं। वीडियो पे बने रहना, और अगर लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो, और लाइक बटन कर दो और शेयर जरूर कर दो यार, ताकि सबको इसका फ़ायदा मिले कि आने वाली टेक्नोलॉजी यही टेक्नोलॉजी है जो कि यूज़ होने वाली है वर्ल्ड वाइड। तो आगे बढ़ते हैं। तो इसमें जो पैनल में इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर रहा हूँ मैं, मेरा पूरा ये जो सेटअप है वो 6 KV का है, 6 KW का सेटअप है, ठीक है। मेरे घर का जो लोड है वो है 7 KW का मैंने लोड ले रखा है, 6 KW का मैंने यहाँ पे सोलर पैनल लगा रखा है, ठीक है। तो सोलर पैनल क्या क्या इलेक्ट्रिसिटी है जो वो मैं सारे जितनी भी इलेक्ट्रिसिटी मैं प्रोड्यूस करता हूँ वो मैं BSES को दे देता हूँ, कोई बैटरी यूज़ नहीं करता, और जितनी भी ये प्रोड्यूस करता है वो मेरे फाइनल बिल में से माइनस होकर आती है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने एक महीने में 400 यूनिट इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की, एग्जाम्पल ले, मैं बताऊँगा अभी कितनी हो रही है, तो उसके बाद क्या होता है कि जितनी इलेक्ट्रिसिटी मैंने कंज्यूम की है यहाँ से, वो इलेक्ट्रिक क्या करेगा, BSES क्या करेगा, अपने पास भेज देगा। और जो मेरा फाइनल बिल, सपोज को मेरा फाइनल बिल मैंने 600 यूनिट यूज़ किया, तो 600 यूनिट में से वो 400 यूनिट माइनस कर देगा, 200 यूनिट का मेरे को बिल भेज देगा। और सपोज को कई बार आपके दिमाग में आया, अगर मैंने प्रोड्यूस ही नहीं की बहुत ज़्यादा, अगर मैंने 200 यूनिट यूज़ किया और मैंने प्रोड्यूस किया 300-400 यूनिट, सपोज को मैं यूज़ करता हूँ, जैसे सर्दी आती है मैं यूज़ करता हूँ मुश्किल से 150-200 यूनिट, और ये बनाता है 400 यूनिट, तो क्या होगा, तो यार जो इलेक्ट्रिसिटी मैंने प्रोड्यूस एक्स्ट्रा की है उसकी दो ऑप्शन है आपके पास, या तो आप अपने बिल में रीइंबर्स करवा लो, जो कि मैं करता हूँ, या अपने बिल में जो मार्च में आता है या फाइनेंशियल होता है उसमें कह रहा हूँ रीइंबर्स कर दो, या सेकेंडली आप ये इलेक्ट्रिसिटी के पैसे ले सकते हो, पैसे ले भी सकते हो BSES के थ्रू, तो कुछ 4-5 rupees जो भी आपकी स्टेट का स्टेट वाइज है, जितनी जैसे स्टेट्स में अलग अलग है, तो वैसे आप उनसे पैसा निकलवा सकते हो, आप पैसा भेजिए, एक तरह से आप बिजली बेच सकते हो BSES को, ठीक है। तो मेरे ख्याल से शायद ये इसका मतलब ये नहीं कि आप बहुत ज़्यादा लगवा लो, ये भी लीगलाइज नहीं है शायद, आई एम नॉट श्योर, क्योंकि मैंने अभी लीगल फॉर्म्स नहीं पढ़े हैं इसके, पर इसमें लीगल फॉर्मेलिटीज बहुत ज़्यादा होती हैं, तो किसी कंपनी के थ्रू लगवाओगे आप तो मेरे ख्याल से कम पड़ेगा, इस कंपनी का नाम भी ये मैं दे दूंगा आपको। और वारी इज़ वन ऑफ द बेस्ट कंपनीज में से जो सोलर पैनल बनाती है, ठीक है, बाकी थर्ड पार्टी है। तो अब मैं लेके चलता हूँ आपको कंप्यूटर स्क्रीन पे, और वहाँ पे मैं आपको पूरा एक्सप्लेन करता हूँ कि ये वर्क कैसे कर रहा है और मैंने कैसे लगवाया है इसको, और उसके बाद ये इसका बिल कितना आ रहा है, सबसे पहले ना एग्जाम्पल तो चाहिए ना आपको भैया, इसका बिल कितना आ रहा है, बिल तो बताऊँगा, तो बिल दिखाने के लिए मेरे को नीचे जाना पड़ेगा अपने घर के अंदर, ठीक है, और मैं आपको दिखाऊँगा बिल कितना आ रहा है, मैं कितने कंज्यूम करता हूँ, उसके बाद हम बात करेंगे। तो गाइस यहाँ पे मैं आ गया हूँ अपनी डेस्कटॉप पे, और यहाँ पे मैं आपको अपने बिल्स दिखाना चाहता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हो नेट पेबल अमाउंट, जो मैं आपका बिल दिखा रहा हूँ वो ये है, जो कि आपको दिख रहा है यहाँ पे पेबल अमाउंट 0 है, और ये करंट मंथ का ही बिल है, इसको दिखाने के लिए कहाँ पर होता है, यहाँ पर आप देख सकते हो कि करंट मंथ का मेरा बिल है जो कि बिल्कुल 0 अमाउंट आया है, क्योंकि आपको भी लगेगा यार ये कैसे है ना। तो चलो मैं आप इसको बिल की पूरी स्टडी करके दिखा रहा हूँ आपको कि मेरे बिल्स कैसे कम हुए हैं, ठीक है। स्टार्टिंग से शुरू करते हैं, ये मेरा एड्रेस एड्रेस हो गया,
जो भी आप डाल सकते हो, ठीक है। तो मेरी फिक्स चार्जेस जो आते हैं वो आते हैं पर मंथ 6, जो भी है पर मंथ के हिसाब से 6 चार्जेस है, फिक्स चार्जेस हैं। तो यहाँ पे सारे फिक्स चार्जेस जो भी लगा के जितने भी लगते हैं, तो मेरा बिल आना चाहिए मिनिमम 883.21 पर मंथ आना ही आना है, ठीक है। ये मेरे मंथ के जो चार्जेस लगते हैं मीटर के, वो चार्जेस हैं, ठीक है। उसके बाद नीचे आ जाते हैं जो मैंने इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम की है अमाउंट, वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। मेरा जो भी मेरे को सब्सिडी जो भी मिला, एरिया रिफंड जो मिला, 8564 का मेरा नेट अमाउंट पेएबल है, यहाँ पे भी आप देख सकते हो, ठीक है। सब कुछ करने के बाद मेरे को अमाउंट जो देना था वो देना था 8564 मेरे को देना था इनको, बट मैंने दिया कितना, 0। आप कहोगे ये कैसा बिल है यार, यहाँ पे तो अमाउंट दिखाना नेट पेएबल, यहाँ पे आपको दिखाना है 0, है ना। थोड़ा सा और नीचे आता है, यहाँ पे एक एक्स्ट्रा पेज आता है आपके बिल में, यहीं तक आता होगा, बट मेरे में एक एक्स्ट्रा पेज नीचे आता है। ये देखिए, ये खुला मेरा नेक्स्ट पेज, ये है मेरा नेक्स्ट मेन पेज, यहाँ पे मेरा खुलेगा 16। यहाँ पे आप देखोगे नेट मीटर कंजप्शन, नेट मीटर कंजप्शन, एक मीटर जो होता है नॉर्मल होता है, क्योंकि नेट मीटर होता है ये अलग मीटर होता है जो कि सिर्फ और सिर्फ सोलर के लिए यूज होता है, ठीक है। चलिए, फॉर द बिलिंग पीरियड इसने लिखा है 854, जो भी है कंजप्शन जो भी है इसको हम ध्यान दे देते हैं। अब यहाँ में आते हैं मेन, यहाँ पे ये जो नीचे दिख रहा है नीचे, ये एक्सपोर्ट एनर्जी। तो मैंने इस मंथ में जो पिछले मंथ में जो एक्सपोर्ट किया है वो कितना किया है, 168 यूनिट मैंने एक्सपोर्ट किया, मीन्स मेरा सोलर पैनल ने 368 यूनिट बनाया है, ठीक है। और मैंने जो BSES से लिया था वो कितनी किया था, 181 यूनिट, कितना लिया था मैंने, 181 यूनिट। ये वही वाला सेकेंड वाला केस हो गया कि मैंने एक्सपोर्ट जो BSES को दिया है वो मैंने ज़्यादा दिया है, और उनसे मैंने जो लिया है वो कम लिया है, तो मेरा नेट डिफरेंस कितना आ गया, 187, ठीक है। अब 187 आ गया तो मैंने क्या किया था, मैं उसको अपने बिल में एडजस्ट करवा देता हूँ, मतलब एडजस्ट करवा देता हूँ उस अमाउंट को, उनसे लेता नहीं हूँ। तो उन्होंने क्या किया, मेरा कैरी फॉरवर्ड कर दिया 330 यूनिट। अब मैं अगले महीने मेरे यूनिट में पहले से ही एडेड है, मीन्स अगले महीने में मैंने अगर 360 यूनिट फिर से 368 यूनिट और ऐड कर दिया, और यहाँ पे मेरे पास 330 पड़ा हुआ है, तो मेरे पास 600 यूनिट से प्लस यूनिट पहले से ही होगा, तो मुझे कोई बिल देने की जरूरत पड़ेगी ही नहीं, 600 यूनिट मेरे पास अगले महीने पहले से ही पड़ा हुआ है। एनी हाउ 300 यूनिट तो ये बनाएगा ही बनाएगा एनी हाउ, तो 330 यूनिट, क्योंकि अभी तो गर्मी कम है, तो नेक्स्ट टाइम में अभी आने वाले नेक्स्ट मंथ में और ज़्यादा गर्मी बढ़ेगी तो और ज़्यादा ये यूनिट बढ़ेगी, ठीक है। तो 330 यूनिट तो ये मेरे को बढ़ा के ही देगा, मीन्स मेरा सीधे 8000 का जो बिल आना था वो 0 हो गया एक महीने में, और सीधे मेरा जो यूनिट कैरी फॉरवर्ड यूनिट हो गया। और यहाँ पे आप देख सकते हैं पूरी रीडिंग है यहाँ की नेट मीटर की, क्या क्या है, यानी पूरी डिटेल आती है यार साथ में, एक एक चीज़ आती है कि कितने महीने में कितना नेट मीटर की रीडिंग क्या आई क्या नहीं आई, डोमेस्टिक प्लान है मेरा, सब कुछ है। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है जो आपको दिखा होगा, ठीक है। अब इस चीज़ को आप, ये तो कहोगे आपकी करंट बिल का है, इससे पहले का बिल का क्या हुआ, ये तो इस महीने का है। चलो, उसके लिए हम क्या कहते हैं, स्टडी करने के लिए मेरे पास दो ग्राफ्स हैं, ठीक है। पहले मैं आपको ये ग्राफ दिखाता हूँ, ठीक है, पहले इसको स्टडी करते हैं, ध्यान से देखिएगा गाइस। अप्रैल में मेरा बिल क्या है, 0, 0। मार्च में मेरा बिल क्या है, 0, 0। फरवरी में मेरा बिल क्या है, फरवरी की स्टार्टिंग में, फरवरी के दो मंथ होते हैं, स्टार्टिंग में जो बिल आया था वो आया था 3640। आपको कहे तो मेरा बिल आ गया कि यस, क्योंकि सर्दियों में क्या होता है कि यूनिट आपकी कम यूज होती है, एंड मेरे घर में बेबी था, मेरा न्यू बॉर्न बेबी था, तो मेरा हीटर बहुत ज़्यादा चला घर के अंदर, उसके वजह से मेरे को 3000 दें, बट इसमें भी मेरी यूनिट बनी है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा अभी। इसमें भी मेरी यूनिट जनवरी को मेरे को 2020 को मेरे को 5000 देना पड़ गया, ठीक है। नीचे आ जाते हैं, इस ग्राफ को स्टडी करते हैं। देखिए, जुलाई में मेरे को 19 में मैंने को बिल देना पड़ा 365 यूनिट का बिल देना पड़ा था, 217 यूनिट का बिल देना पड़ा। देखो, जैसी जैसी गर्मी बढ़ती जा रही है, हीट ज़्यादा बढ़ती जा रही है, मेरा बिल कम होता जा रहा है, 49 यूनिट थे। यहाँ पे बारिश के टाइम हो गया था, थोड़ा सा ख़राबी हो गई थी, उसके टाइम में मेरा यूनिट बढ़ा, फिर कम हुआ। फिर जनवरी में मैंने हीटर स्टार्ट कर दिया, ठंड बहुत ज़्यादा हो गई तो मेरा बिल बढ़ गया। फिर जनवरी में कम हो गया, फिर इसके बाद ठंड आने लग गई, हमने बिल्कुल किया एसी भी नहीं चला, कुछ भी चला, तो 0, 0, 0 बिल आने लगे। समझ में आया, कंजप्शन हिस्ट्री है ये सारी, मैंने कितना कंज्यूम किया मैंने, ठीक है। इसको भी बंद कर देते हैं, अब बिल पे आ जाते हैं। एक और मेरे पास बिल है, देखिए, सिर्फ सर्दियों में बिल आता है। अगस्त 19 में मेरा बिल आया
1500 रुपये का सितंबर में मेरे को जरूरत नहीं थी। ठीक है, यहाँ पे ये आपको यूनिट्स दिखा रहा है, कितने यूनिट्स, 49 यूनिट्स। केजरीवाल ने यहाँ पे 200 यूनिट तक फ्री किया हुआ है हमारा। केजरीवाल सरकार ने जो है, आप सरकार बेसिकली, उन्होंने हमारा 200 यूनिट तक फ्री किया हुआ था। 200 यूनिट का तो बिल आता ही नहीं है हमारे लिए, तो 126 यूनिट भी अगर मैंने एक्स्ट्रा यूज़ किया है तो मेरे को बिल नहीं मिलेगा, जीरो आएगा। पर जहाँ पे मैंने 217 यूनिट यूज़ कर ली, यहाँ पे आप देखोगे मैंने 217 यूनिट, तो 17 यूनिट का जो एक्स्ट्रा है मेरे को पूरा का पूरा ही 217 रुपये का बिल देना पड़ा, जो कि 1550 रुपये नहीं, ऐसा नहीं है, 1500 समथिंग तो मेरा सिर्फ नेट बिल वेडिंग है जो कि मेरे को पेमेंट करनी पड़ती थी, और सिर्फ 17 यूनिट का ही मैंने 550 रुपये जो 17 यूनिट का बनता है वो मैंने पे किया है। सेम यहाँ पे भी वही, अब मेरा बिल आना जीरो हो गया। फिर जनवरी एंड फरवरी में मेरा हीटर चलता है, कंजप्शन बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। आप देखोगे यहाँ पे हीटर चले हैं, दबा के हीटर चले हैं, मेरे घर में मेरे सिस्टर के बेटे बच्चे अभी आ रखे थे, तो बहुत दो दो तीन तीन हीटर चले हैं एक साथ, तो यहाँ पे मेरा बिल फिर से बढ़ गया। फिर मेरा फरवरी में जब वो चले गए मेरे घर से, चले गए यहाँ से, तो फिर मेरा बिल जीरो आने लगे, क्योंकि मेरी कंजप्शन नहीं थी। तो यार ये जो चीज़ है ये बहुत ही बेहतरीन चीज़ लगी है मेरे को, कि मेरा भैया बिजली का बिल तो मेरा वसूल हो रहा है। मैं दबा के अभी एसी चला रहा हूँ, ठीक है, सेकंड वीडियो बनाऊंगा जिसमें मेरी एसी वेसी चल रहा है, ये सब कुछ चल रहा है, एंड उसका भी क्या हाल होता है देखते हैं इस बार फिर से क्या मेरा बिजली का बिल आता है कि। तब तक के लिए ये मैंने आपको बिल दिखा दिया, अब मैं इसकी एप्लीकेशन, बारी की जो एप्लीकेशन है उसके अंदर का व्यू मैं आपको दिखाऊंगा, और होप सो वो आपको अच्छा लगेगा, एंड कैसे वो एप्लीकेशन में ये बताता है कि आपने कंज्यूम किए कितने की, वो सारी एप्लीकेशन मेरे अंदर है। तो लेट्स गो टू द मोबाइल एप्लीकेशन एंड सी की क्या होता है। ठीक है, यहाँ पे मैं आ गया हूँ अपनी बारी की एप्लीकेशन के अंदर, तो यहाँ पे मैं आपको सारी डिटेल दिखाने वाला हूँ कि मेरे पास कितने सेटअप है और क्या है। सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ, मेरे पास दो डिवाइसेज हैं, ठीक है, एक ये डिवाइस है, एक ये डिवाइस है, ये अपडेट हुए, अपडेटेड इनका लास्ट टाइम देख सकते हो, अभी का टाइम दिखा रहा है, मेरी घड़ी में भी सेम टाइम हो रहा है, ठीक है, एक दो मिनट का आगे पीछे होता है इनका डिफरेंस। ये अभी अब अपडेट हो जाएगा, मैं रिफ्रेश करूँगा तो अपडेट हो जाए, थोड़ी देर में अपडेट भी हो जाएंगे। ठीक है, अब इनको बैक करते हैं। ठीक है, अब मैं आपको दिखाता हूँ ये डेली वाइज, डेली ये दिखा रहा है और ये सब। ठीक, मेरे को ये थोड़ा सा मैप आपको समझ में नहीं आएगा, तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ थोड़ा अंदर जाता हूँ। ठीक, ट्वेंटी 7.6 किलोवाट मैं बना चुका हूँ। कल थोड़ा सा वेदर ख़राब था जिसकी वजह से कम हुआ है, और पीछे चलते हैं 26.4, और पीछे चलते हैं 20.5, और पीछे चलते हैं 28.4, जिस दिन बहुत अच्छा आया वहाँ पे 28 आ रहा है, 27 आ रहा है, और पीछे जब मौसम ख़राब था 15 यूनिट भी आया है, एंड और पीछे 21 12.7 पर डे का देख रहा हूँ यहाँ मैं, आई एम वॉचिंग पर डे कितना आया है, देख सकते हैं आप। ठीक है, तो ऐसे ही मैं देख सकता हूँ, मैं मंथ का देखता हूँ, इस मंथ में मैंने अभी तक, ओ माय गॉड गाइस कैन यू सी, 465 यूनिट मैं बना चुका हूँ अभी तक इस मंथ। मई का जो मेरा नेक्स्ट मंथ का बिल आने वाला है, मैंने 300 यूनिट आपको बताया था, बट ये 400 क्रॉस अभी से ही कर चुका है, एंड अभी भी आज सिर्फ क्या 20th हुई, अभी 10 दिन और है मेरे पास, तो बिल साइकिल आने में अभी 10 दिन और है मेरे पास, तो मेरे ख्याल से ये 500 यूनिट क्रॉस कर जाएगा, तो मेरे पास आराम से 500 प्लस मेरे पास वहाँ पे 300 यूनिट पड़े हुए हैं। ठीक है, आपने 300 यूनिट समथिंग देखा, प्लस 500 का 600 700 800 तो यूनिट यहाँ पे हो गए, प्लस 200 यूनिट दिल्ली गवर्नमेंट हमें फ्री दे दी है। ठीक है, 7 के बाद आपके 800 यूनिट वो थे 900, एंड पूरे 1000 यूनिट गाइस मेरे को एक मंथ फ्री मिलने वाले हैं। मैं तो चलाने वाला हूँ अपना एसी दबा के, दिन रात एसी चलाने वाला हूँ, क्योंकि मेरा तो आपको पता है 1000 यूनिट तो पॉसिबल है ही नहीं है, अगर मैं दिन रात भी एसी चलाता हूँ अपना, तो मेरे को नहीं लगता यार बिजली का बिल आ सकता है तो जीरो ही आना है मेरे पास, तो मैं तो दबा के चलाने वाला हूँ। होप सो आप इसको लगवाने के बाद भी दबा के चला सकते हो, और अगर आपकी कोई क्वेरीज है इसको रिलेटेड, प्लीज़ मुझे मैसेज करो, कमेंट करो, मैं आपको वो भी क्वेरीज फुलफिल करूँगा। एंड प्लीज़ यार वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना तो यार बनता है, प्लीज़। बाय बाय।